नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। आपने हमारे प्रगति मीडिया के चैनल पे आप कुछ समय से देख रहे होंगे जो कि आपको खबर मिल रही है मध्य प्रदेश की पिपरिया की। मध्य प्रदेश की पिपरिया में नया गांव में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे मध्य प्रदेश के हजारों संख्या के लोग व अन्य राज्यों के लोग भी वहाँ पिपरिया के नया गाँव में पहुँचने लगे। वह चमत्कार क्या था उसकी वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। वह चमत्कार ऐसा था कि एक ऐसा पेड़ वहाँ मिला है जिसके छूने से लोगों के रोग दूर हो जा रहे हैं। ये चमत्कार है या अंधविश्वास, इस पर हमारी चर्चा करते हुए हमारे संवाददाता वहाँ पहुँचे। उन्होंने वहाँ की पड़ताल की और उससे संबंधित एक वीडियो आप सभी के सामने लाए थे, जिसे मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रचलित किया गया और उन लोगों ने काफ़ी पसंद किया। वह लोग भी मध्य प्रदेश के नए गांव में जाके आए हैं। उन लोगों ने भी बताया है कि सर, ये आस्था के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी आस्था कैसी है। आप आस्था के ऊपर है कि अगर आप आस्था लेके जाते हैं तो आपके रोग दूर भी होते हैं, अगर आपकी वहम या आप एक शक की निगाह से जा रहे हैं तो आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसी पर चर्चा करते हुए हमने अपने संवाददाता दोबारा से मध्य प्रदेश की पिपरिया के नया गांव में हमने दोबारा से भेजे। वह आज हमारे संवाददाता नया गांव गए थे। जिन संवाददाताओं की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है आशीष। वह बहुत अच्छे संवाददाता है और उन्होंने हमको पहले भी वीडियोस दी है। तो जब उन्होंने वहाँ पहुँच के इसकी पड़ताल की और उसके बारे में जाना कि जो यह घटना हमारे सामने आई है, जो वारदात हमारे सामने आई है, वह सही है या गलत है, तो उन्होंने वहाँ के कुछ लोगों से बात की व कुछ लोगों से जाना कि ये किस तरह का यहाँ पे उपाय हो रहा है। और उन्होंने एक बात और ख़ास बताई कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत की वादा है या जो लोग परेशान रहते हैं अपनी बीमारी को लेके या भूत प्रेत की वादा को लेके, उन लोगों को भी यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है, उन लोगों का भी इलाज यहाँ पे हो रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे पेड़ की शक्ति बताते हैं, कुछ बताते हैं कि यहाँ पे महाकाल की शक्ति है। महाकाल मतलब हमारे भोलेनाथ शिव जी की शक्ति है। शिव जी की शक्ति के आगे कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि वहाँ जो आपको मैं पिपरिया के नया गांव के बारे में बता रहा हूँ वहाँ पे किस तरह से पहुँचा जाता है, वहाँ का रास्ता क्या है, आप किस तरह से जा सकते हैं, आपको कौन कौन से साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है, बीच में एक नदी भी पड़ती है, नदी को पार करके जाना होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे संवाददाता ने वहाँ के लोगों से किस तरह से बात की, वहाँ के माहौल को देख के उन्होंने किस तरह का बताया, वहाँ पे किस तरह के लोग, किस तरह के मरीज आ रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने पूरा दिखाने का प्रयास किया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की पिपरिया के नए गांव की यह वीडियो, जिसमें आप देखेंगे आस्था है या अंधविश्वास। धन्यवाद। पिछली बार भी आए थे जब यहाँ पे संख्या बहुत कम थी श्रद्धालुओं के पास, हजारों की संख्या में श्रद्धालु डेली के डेली आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रायगढ़ी रोड पूछ लो आप दूर है, वो दावा कर रहे हैं कि सभी लोग उनके पास रायगढ़ी रोड पूछ लो, रायगढ़ी रोड जाने के लिए इस नदी से होते हुए जाना पड़ता है। अपने जंगल के फॉरेस्ट में पेड़ जहाँ मौजूद है, जहाँ लोगों का दावा किया जा रहा है कि छूने मात्र से रोग और कष्ट सभी दूर हो रहे हैं, नदी को पार करके हमें जंगल में जाना पड़ेगा। क्या है इस पेड़ की आस्था में? कुछ नहीं है भैया, ये तो भगवान की महिमा है, जो अपन बैठते हैं आसन लगा के हाथ खींचते हैं, बराबर खींचते हैं। आपने अनुभव किया है? अपने कराया ना भाई, आप भी कर सकते हो, आप बैठो, आपके लिए भगवान खींचेंगे। आपको खींचा हुआ? आपको मेरे के लिए खींचा, मेरे भाई के लिए खींचा, जो भाई की पूरी चर्चा चली, और भी आदमी जो लोग हैं सब खींचते आए ना, ये सब लोगों से पूछ लो, अभी के जाके नहीं खींच रहे हो भगवान तो घर मानो, ये भाई लोग भी आ रहे हैं जो भाई खींच रहे हैं भगवान, पूछो जो लोग सब आ रहे हैं। इस तरीके के लोग यहाँ ठीक हो रहे हैं भैया, तकलीफ तो कोई खींच पा रहा है, जिसको तकलीफ नहीं है वो तो भाई अभी सुधरेगा जब बोले। आप कहाँ से हैं? सुन रहे थे आप, नाम क्या है? राधिका।
आप क्या तकलीफ थी? ठीक लग रहा है, पेट छुके हैं तो कैसे क्या हुआ? ये तो न्यूज़ चल रहा है, बैठे थे तो थोड़ा अपन ऐसे लगता ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आपको अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है? मैं दो कहाँ हो, आप क्या तकलीफ थी? पेट दर्द। ठीक लग रहा है, पेट छुके हैं तो वहाँ कैसे क्या हुआ? ये तो न्यूज़ चल रहा है, बैठे थे तो थोड़ा अपन ऐसे क्या परेशानी थी आपको? तो आप पहली बार ही आ रहे हैं, पहली बार में आपको आराम लग गया? ऊपर वाला है अब एकदम से, हिंदू ही नहीं आप मुस्लिम लोग भी अपनी आस्था को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ ना, फिर जो रखो है कौन हो, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो, कौन हो, कहाँ है? कहाँ के हो, कौन ने हमें तय कर, हमें बताओ तो, आप बोलो, बताइए, बोलो बताइए, कद है, बोलो 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 बोलो, कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, तो मैं किचन है, हम बताओ, भक्तों तो बोले हैं बंदे हैं, बोले गाड़ी से आ रहे थे, कैसे लगा आपको? कितनी बार चौथी बार है, तो डेली सवारी लेके आते हो? डेली नहीं, लेकिन तो सवारी बता दी, यहाँ पे ठीक हो रही है? अपने बच्चों में दांत का इलाज खूब करा है, ठीक हो गई सब बात थी, उसको बहुत इलाज कर रहा है, हाँ ठीक नहीं हूँ, यहाँ पे ले गया घर तक जाते जाते वो दांत दांत के अच्छे अच्छे लाग गए, ठीक हो गया। किस टाइप की समस्या है? ज़्यादा हार उनको लग रहा है, उनको जो भूत वाला है ना उससे परेशान, उनको थोड़ा डर लगा, बाकी ऐसे लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन नॉर्मल तो कैसा लग रहा है?
तो आपके यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? तो रोज ट्रेन से कैसे पैसेंट आ रहे हैं? वो तो आल टोटल पैसे मतलब जैसे जैसे पैसे में सब लोग आ रहे हैं, जैसे कोई यहाँ लोग ठीक हो रहे हैं, कोई लोग दावा कर रहे हैं वो सही है सही बात सही है। आपका देखा हुआ है? हमारा देखा हुआ, हम तो रोज यहीं किस टाइप के रोगी सब महेश भैया टाइप के रोगी यहाँ पे ठीक हो रहे हैं आल टोटल कुछ विशेष है क्या यहाँ विशेष क्या कोई दिन है जिस दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ है कुछ रखा हो विशेष भीड़ है अगर मोरा जाए जी दिखा लो तो हम ज़्यादा तो नहीं दो करने या पाँच करने और दे दी एक दिन का तो कहीं देखा और चलेगा जो घर नहीं पहुँचे और मैंने कहा तो आपने देखा होगा मैं दिन भाई बताया आपने नहीं देखा घर देख दो सुन यहाँ का बताओ जो अभी तुम बता रहे थे ना पेड़ वाला लड़का मिला रुपया नहीं देखा बाएँ हट्टी को ठीक हो गए वो अभी मेला ही में है वो दुकान चला ग्राम मोहारी कला से आए हैं। यहाँ नवरात्रि से काफी भक्त लोग आ रहे हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, लेकिन मनोकामना पूर्ण वाले बहुत कम मिल रहे हैं। बता नहीं पा रहा है हो क्या रहा आखिरकार। सब लोग बोल रहे हैं दर्द शांत हो रहा है, दर्द शांत हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सही में आपको क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, दर्शन करने आए भोलेनाथ कृपा से। जंगल में मंगल हो रहा है, इसको बैठिया टीवी प्रेस करें। हम शिवली होटल से आए, कैसा महसूस हो रहा है? अब थोड़ा भारी भारी पन होता था, छाती में थोड़ा रहा था, बीमारी की थोड़ी। तो पहली बार आए हो? पहली बार आए, पहली बार में ही आराम लगा। हाँ, पहली बार में जो भारीपन था वो भारीपन हट गया। वो पेड़ से यानी आपको किया था? हाँ, पेड़ का ऐसा करके किया था और ऐसे लिखते थे। किस टाइप के रोगी सब महेश भैया टाइप के रोगी यहाँ पे ठीक होते हैं? कुछ विशेष है क्या यहाँ विशेष क्या कोई दिन है जिस दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ है कुछ रखा हो विशेष भीड़ है? अपने YouTube चैनल पर क्लिक करें, सर्च करें प्रगति मीडिया। प्रगति मीडिया को सर्च करने के बाद में उसके बेल आइकन पर क्लिक करें और प्रगति मीडिया को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें व आप प्लेलिस्ट में जाके प्रगति मीडिया के सभी वीडियो देख सकते हैं व अपने राज्य से संबंधित भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं व अपनी पसंदीदा वीडियो भी आप यहाँ देख सकते हैं।